पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर जाने को कहा। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि अब रशिया न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहा है। बेलारूस जो यूक्रेन और रशिया के पास पड़ता है, बेलारूस ने रशिया को अपने यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिप्लॉयड करने की रजामंदी दे दी है। अब इससे होगा क्या, इससे बड़े स्तर पर यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि पुतिन अब फंस चुके हैं, ना तो यूक्रेन हार रहा है और ना ही रशिया जीत रहा है। संभावना यह है कि जीत की चाह में पुतिन न्यूक्लियर अटैक ना कर दें, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया शायद ही संभल सके।